जिला कांगड़ा के तहत एंजल दिव्यांग आश्रम रेहन छत्र के संस्थापक अलका शर्मा और नीरज शर्मा और उनकी पूरी टीम की मेहनत और सेवा रंग लाने लगी है। दिव्यांग आश्रम में एक दिव्यांग बच्चे सक्षम ने 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया है। जवाली के तहत एंजल दिव्यांग आश्रम रेहन के एक दिव्यांग बच्चे सक्षम ने 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया है। 8 महीने पहले ये दिव्यांग बच्चा एंजल दिव्यांग आश्रम आया था। उस समय ये बच्चा ना तो चल सकता था और ना ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, साथ ही अच्छे से बैठ भी नहीं सकता था। एंजल दिव्यांग आश्रम की पूरी टीम की मेहनत व सेवा ने आज नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई दिव्यांग बच्चों को यहाँ से नई जिंदगी मिली है जो कि पहले एक असहाय के रूप में जी रहे थे। आश्रम में ठीक हुए बच्चों के अभिभावक काफी खुश हैं और उन्होंने आश्रम के संचालकों का धन्यवाद किया। ठीक है जी। कितना ठीक है? इतने तुम बच्चे की लेंदे हो, क्या ये संस्था जी पैसे लेंदी है थोड़े को? फ्री आंदा? हाँ जी। रोटी पानी? हाँ जी। एक करोल लेंदे हो ना, वो भी फ्री? हाँ जी। मैं सक्षम की बुआ, सक्षम 6 साल का है। आज से 8 महीने पहले मैं दिव्यांग आश्रम एंजल दिव्यांग आश्रम छत्तर चचरेड़ा में आई थी। मैं जब सक्षम को लेकर आई थी तो वो बिल्कुल ही चलता नहीं था, बोलता नहीं था, बैठता नहीं था और कोई भी एक्टिविटी नहीं करता था। आज उसको काफ़ी फ़र्क है, आज तो वो चलता भी है, बैठता भी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें। आज से आपको पहले से कितना फ़र्क लगता है? पहले से काफ़ी फर्क है, 80% फ़र्क है इससे पहले से। वो काफ़ी हेल्प करते हैं, उन्होंने किया, पहले भी तो हमारे पास ही था, वो उनकी हेल्प के साथ ही हुआ जो भी हुआ। भविष्य में ऐसा लगता है कि आश्रम संचालकों की लगन और मेहनत के चलते एंजल दिव्यांग आश्रम में सभी दिव्यांग बच्चे सक्षम की तरह अपने पैरों पर चलना शुरू हो जाएंगे। सिटी चैनल के लिए जवाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।